सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान उस्मानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां बाढ़ प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। वहीं मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। बता दें कि सीएम ने 15 जून तक बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां पूरा करने का दिशा निर्देश दिया है। इस दौरान सीएम ने बैठक में कहा कि बाढ़ के समय जनधन की सुविधा हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही कहा कि सभी जिले अलर्ट मोड में रहे, जिलाधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण भी करें, जिलों में चाक चौबंद भी व्यवस्थाएं की जाए। खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ बयान दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से परिणाम बदले हैं। सबसे बड़ा उदाहरण चंदौली का है, जहां पर किन्नर समाज का जो प्रत्याशी था वो जीत गया, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में उसका परिणाम तक बदल दिया गया। जब नाराजगी हुई और नाराजगी किस हद तक बढ़ गई वो तस्वीरें भी सभी ने देखी है। उन्होंने खुद हाथ में डंडा लेकर किस तरीके से प्रशासन और पुलिस को दौड़ाया, आप सभी जानते है कि प्रशासन को उनके परिणाम भी पक्ष में करने पड़े। अगर उत्तर प्रदेश की आप जानकारी करेंगे तो आपको जगह जगह से यह जानकारी हासिल होगी कि सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से परिणाम बदले हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो चंदौली का है, जहां पर किन्नर समाज का जो प्रत्याशी था वो जीत गया, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में उसका परिणाम बदला गया। जब नाराजगी हुई और नाराजगी किस हद तक गई वो आपने सब तस्वीरें देखी हैं। तो वहीं दुनिया भर में आज तंबाकू दिवस मनाया जा रहा है। ये खास दिन लोगों को तंबाकू के सेवन से रोकने और इससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, बावजूद इसके तंबाकू का सेवन करना बंद नहीं करते। वही तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हुए भी इसे खाने से लोग परहेज नहीं करते। इस दिन सभी लोगों को तंबाकू से होने वाले रोग जैसे फेफड़े और मुंह का कैंसर, सांस की बीमारी के साथ साथ तंबाकू से होने वाली कई बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। वहीं इस मौके पर मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ईशान्य राज ने क्या कुछ कहा है, पहले वो भी आपको सुनाते हैं। विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर जितना हो सकता है लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारियां दी गई हैं, और तंबाकू के अगर निगेटिव इफ़ेक्ट की बात करें तो देखा जा सकता है कि कोरोना में भी जो रेट्स काफ़ी हाई हुए थे उन लोगों के अंदर अफेक्टेड होने का जिन्होंने तंबाकू का सेवन काफ़ी किया था। और कोरोना में भी प्रूफ रहा है कि जो फेफड़े होते हैं, अगर तंबाकू के कारण उस फेफड़े में कोई परेशानी होती है तो आगे चल करके रिकवर होने में वो दिक्कत देता है। इन्हीं सब उदाहरणों के साथ हमने तंबाकू से संबंधित जागरूकता देते हुए मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू का जो यूज़ है वो ना करने की सलाह दी है। कन्नौज में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के बहबलपुर में रहने वाले एक युवक की सेल्फी ने जान ले ली है। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब सेल्फी ने किसी की जान ली हो, बल्कि आए दिन कुछ ऐसी ही घटनाएं देखने को मिलती रहती है। आपको बताते चले कि मां के साथ गंगा स्नान करने गए युवक का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा और पानी के तेज बहाव में वो डूब गया। ये सूचना गोताखोरों को दी गई। वही गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर भी निकाला है। अरे ये गंगा ना बेटी के मतलब शादी की थी 14 में जी, 14 फरवरी में जी जी। तो ये जैसे पैर पूज के गंगा नहाई जाती है जी जी जी। हमारी बहन और भांजा, दो बच्चे, हमारा लड़का और एक और भतीजा जी, ये गए थे मतलब घटिया घाट जी, गंगा नहाने सुबह 7:30 जी, 8 निकले यहाँ से जी जी। ठीक है, उसके बाद ये लड़को मम्मी से अपनी से कहा, हमारी बहन से जी, कि मम्मी हम मतलब नहा जा, तुम थोड़ा ये कपड़ा मोबाइल देखना। ठीक है ठीक है जी। तो ये बच्चे नहाने निकल गए, तो नहाते ही नहाते दो बच्चे हमारे बच्चे दोनों नहा रहे थे, तो ये जो भांजा ये बोला
कि थोड़ा मोबाइल ले आए बाहर से मम्मी पैसे इन लड़कों से कहा इन्होंने इसने तो ये थोड़ा सेल्फी ले लें बस इतनी बात ही तो जो सेल्फी लेने मोबाइल आया तो पता नहीं कहाँ पे चला गया अंदर। भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेडल गंगा में बहा देने से मुझे फांसी नहीं होगी, उसके लिए पुलिस और कोर्ट को सबूत देना चाहिए, कब हुआ, कहां हुआ और किसके साथ हुआ, सामने आकर खिलाड़ी सबूत दें, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर सिद्ध हुआ तो मैं खुद फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 4 महीने हो गए लेकिन आज तक मेरे खिलाफ कोई एक सबूत भी नहीं दे सके हैं। इस इमोशनल ड्रामा से कोई फायदा नहीं होगा, आज इस तरह के आरोपों से कोई भी सुरक्षित नहीं है। बाहर कौन थे जो कांग्रेस से जुड़े थे? कांग्रेस के अलावा अगर किसी भी पार्टी से कोई नेता जुड़ा था तो उसका स्थान जेल में था। मुझे विश्वास है कि आपके इलाके से भी कई लोग उस समय जेल में रहे होंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी का तो संघर्ष मैंने नहीं देखा, आजादी का संघर्ष तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सन 1975 का इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उस संघर्ष को मैंने देखा और उसमें भी मुझे जेल जाने का मौका मिला था, मैं भी जेल गया था। लेकिन भाइयों, आजाद भारत में या 60-65 साल के इतिहास में ये छोटा सा मसला जितना बड़ा बन चुका है, इतना समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला जितना समर्थन आपके बेटे को मिल रहा है, आपके भाई को मिला है। खबर कुशीनगर से है, जहां थाना कस्या क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती की हत्या की घटना का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षक के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज संयुक्त पुलिस टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। 31 मई को शाम में सूचना आई थी कि पथिक निवास के पीछे एक निर्माणाधीन मकान में एक युवती की डेड बॉडी मिली है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछने पर उसकी पहचान रिंकी के नाम से हुई है, जिसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि वो महिला 15 तारीख से लापता है। फिर फर्दर छानबीन में जब हम लोगों ने उसके सारे मोबाइल के डिटेल वगैरह सारे निकाले तो उसमें ये कहानी निकल के आई कि वीरेंद्र पासवान जो यहीं पर काम करता था उससे इस मृतका का प्रेम प्रसंग था, जिसमें उसके पूछताछ में जब हमने इन लोगों को हिरासत में लिया तो पूछताछ में ये बात निकल के आई कि मृतका तो वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ कोलीवाड़ा में किराए के मकान में अपने माता पिता के साथ रह रहे 12 साल के एक बच्चे की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने इस घटना के संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक हत्या का शक मृतक का बच्चे की बहन पर जा रहा है। पुलिस घटना में उसकी बहन पर शक जता रही है, लेकिन पुलिस ने इस बारे में अभी किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं किया है। जो करीब 12.5 साल का है ये और उसकी बहन राधा, जो साक्षी उफ राधा जिसे कहते हैं, ये बच्चे दोनों ही गांव में ही पढ़ते थे। करीब अब छुट्टियों में 10 दिन के लिए यहाँ आए हुए थे। तो इसके माता पिता ईसाई एक्सपोर्ट में काम करते हैं, पिताजी, माता भी सेक्टर 6 में अपने IMT में काम करती है। ये पेरेंट्स जब शाम को आए तो इनका बच्चा लूटा हुआ मिला था बेड पर। तो बारिश का समय था, ये इलाज के लिए ले गए। तो अभी इसमें तस्दीक तफ्तीश जारी है, अभियोग अंकित किया जा चुका है। जैसे ही PMR के बाद जो भी साक्ष्य आते हैं और जो भी घटनास्थल से वह पूछताछ से वह क्राइम ब्रांच से मदद से जो भी बात आएगी उसी अनुसार गिरफ्तारी की जाएगी। फोन किया तो ये सो रहा था, लड़की गई थी कपड़ा लेने छत पे, तो वो 1 घंटा वहाँ आंटी जी के पास में रुक गए। वहाँ से आई तो उसने ना देखा कि भाई सो रहा, पर किसी ने ना उसका
गला पहले दबा दिया था उसको। किसने देखा सबसे पहले उसे? किसी ने देखा ही नहीं, लड़की ने सोचा ऊपर से जब आई तो उसने सोचा भाई सो गया, गेम चल रहा था उसका, फ्री फायर खेलता था। उम्र कितनी? 12 बच्ची की, बच्ची की है 13-14 साल की। तो बड़ी है। हाँ जी, वो ऊपर थी जब नीचे आई तो भाई भाई उसने ये नहीं देखा कि भाई सो रहा है कि हाँ। क्या हो गया, उसने सोचा सो रहा, फोन उठाया तो फोन लेके बाहर आंटी जी के पास आ गई, वहाँ बैठी रही, फिर मैं आ गई 6 बजे। शाहजहाँपुर में राहगीरों को गर्मी के मौसम से राहत दिलाने के लिए जल और शरबत पिलाने का कार्यक्रम निशुल्क जल सेवा शिविर का आयोजन किया गया। आज डॉक्टर सुदामा प्रसाद बाल विद्या मंदिर कन्या इंटर कॉलेज की स्काउट और गाइड संस्था की इंदिरा गांधी गाइड कंपनी ने विद्यालय गेट पर निशुल्क जल सेवा शिविर लगाया। इसमें राहगीरों को शरबत पिलाया गया, इसके लिए शिक्षिकाओं और प्रतिभागी गाइड्स को बधाई दी गई। संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार पांडे ने कहा कि शरीर के निर्माण में जल तत्व का विशेष महत्व है, स्काउट संस्था में हर दिन एक सेवा का काम करना ही इसका उद्देश्य है। गाइड की छात्राओं ने आज कार्यक्रम किया है शरबत वितरण का, जिसमें राहगीरों को प्यास से मुक्ति मिले, और एक और पर्व भी है आज निर्जला एकादशी का पर्व भी है, इसमें भी बहुत सेवा होना चाहिए, सेवा भाव का काम होना चाहिए, दान पुण्य का काम होना चाहिए। तो विद्यालय की तरफ से इस गाइड्स, हमारे जो विद्यालय में गाइड्स हैं इंदिरा गाइड कंपनी, उसकी तरफ से ये सेवा वितरण जल वितरण का कार्यक्रम किया गया, उसमें शरबत और जल दोनों का वितरण किया जा रहा है। जो भी राहगीर कचहरी में आते हैं या किसी काम से आते हैं, गर्मी है, प्यासे होते हैं तो पानी की नहीं हो पाती व्यवस्था आसपास, तो इसके लिए आज का कार्यक्रम रखा गया है कि उनको पानी मिल सके और साथ ही साथ शरबत भी मिल सके, जिससे वो अपनी प्यास बुझा सके। और सेवा का पुण्य कार्य सभी को करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा रहता है, जिससे कि हमारे सेवा, और वैसे भी गाइड में ये बताया जाता है कि गाइड सेवा प्रेमी होती है, सेवा भाव उसमें होता है, इसलिए गाइड को तो, स्काउट को तो ये कार्यक्रम करते ही रहना चाहिए। खबर हरदोई से है, जहां नहर में कूदने वाले दंपत्ति के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल रिश्तेदारी में दोनों वैवाहिक समारोह में शामिल होने गए थे, जहां पत्नी के डांस करने पर पति नाराज हो गया। वापस लौटते समय इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच कहासुनी के बाद बाइक पर सवार पत्नी ने शारदा नहर पुल पर अचानक से छलांग लगा दी। पत्नी को बचाने के प्रयास में पति भी नहर में कूद गया था, और हादसे में पति पत्नी दोनों की ही मौत हो गई है। आज पुलिस ने दोनों के शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। जी सर, ये क्या मामला है, क्या घटना है सर? थाना माधोपुर में गांव पड़ता है, जहां पर पति पत्नी मोटरसाइकिल से आ रहे थे विवाह समारोह से, वहां पर पति पत्नी के बीच कहा सुनी और वाद विवाद में पत्नी शारदा नहर में कूद गई, उसके बचाने के लिए पति भी कूद गया, उन दोनों की डूबने से मृत्यु हो गई थी। गोताखोरों और पुलिस की सहायता से उनकी खोजबीन की जा रही थी, उसी क्रम में आज दोनों की डेड बॉडी बरामद हो गई है। खबर पूरी औरैया से है, जहां दिव्यापुर थाना क्षेत्र के तैयापुर गांव में 13 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार के बाद हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। बता दें कि पिता ने किशोरी के जीजा पर बलात्कार कर हत्या करने का आरोप लगाया। फिरोजाबाद से अपनी बहन के यहां तैयापुर किशोरी आई हुई थी, किशोरी के साथ दरिंदगी का भी प्रयास किया गया, और इसके बाद हत्या की घटना सामने आई। पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाँ, इसके अभी पहले मॉर्निंग वॉक को सूचना मिली थी, जिसमें मैं और पूरा अपनी टीम पहुंची हुई थी। वहां पर देखने पर पता चला कि 13 साल की लड़की है, जिसकी भीतर पहले पेट पर मृत्यु हो गई है। उसके शव को फील्ड यूनिट्स और सबसे देखा गया, उनके द्वारा देखा गया, तो ये पाया गया कि उसके शरीर पर खरोंच के और दांत काटने के निशान है, और कुछ मारने पीटने के निशान है, और उसके गला दबा के हत्या की गई। कैसे, इसको जानने के लिए शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा गया है। साथ ही साथ वादी द्वारा जो बिटिया पहले आई थी, अपने रिश्ते अपने दीदी की आई थी, और कम से कम 25 दिन पहले आई थी, उसके जो माता पिता द्वारा खासकर पिता द्वारा बताया गया कि बेटी हमारी 25 दिन पहले यहाँ शादी में आई थी, और रात में उसके जीजा द्वारा बुरी नीयत से
कुछ प्रयास किया गया, बुरा काम करने प्रयास किया गया और साथ साथ उसकी गला दबा के जैसे भी मृत हो गई है। इसकी सूचना पे हम लोग मौके पर आए, पंचायतनामक कार्रवाई की जा चुकी है और उसके शव को पहले पोस्टमार्टम में भेजा जा चुका है। साथ ही साथ पहले डॉक्टर पीएमआर करने वाले डॉक्टर को भी निर्देशित किया जा रहा है कि उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें कि उसके साथ बुरा काम हुआ कि नहीं हुआ, उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है, उसके द्वारा भी अपना जुर्म कुछ कबूल किया गया है, बाकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर हरदोई से है जहां मल्लावा थाना क्षेत्र में हुई पूर्व प्रधान की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल प्रेम प्रसंग में छींटाकशी करने पर तीन आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि 28 मई को मुर्गी फार्म के बाहर शव मिलने से हड़कंप मच गया था। वही पुलिस ने बेटे की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए नामजद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल बाहर है। तो वहीं लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि यहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार के परिवार को जोरदार टक्कर मारते हुए 100 मीटर तक घसीटा और स्कॉर्पियो में फंसकर दो बच्चे और मां बाप की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला बताते चले राजधानी लखनऊ के विकास नगर के गुलाचीन मंदिर के पास का है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मंगलवार देर रात करीब 2 बजे स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्कूटी स्कॉर्पियो के नीचे फंस गई। इसी दौरान स्कूटी सवार दंपत्ति और दो बच्चे करीब 100 मीटर तक घसीटते रहे, पर चालक ने स्कॉर्पियो तक नहीं रोकी। हादसे में चारों की मौत हो गई और आनन फानन में स्कूटी के नीचे फंसे दंपत्ति और दोनों बच्चों को निकाल कर लोगों ने बचाने का प्रयास किया और चारों को ही KGMU के ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया है। लोग जा रहे थे स्कूटी से, उसके बाद में वो गुलाचीन मंदिर के पास जैसे टर्न लेने लगे वैसा स्कॉर्पियो टेढ़ी पुलिया की तरफ से आ रही तेजी रफ्तार से, वो आके टक्कर मारी है। वो खींचते हुए 100 मीटर तक उनको सबको लेके गई है। स्कूटी इंजन के नीचे फंस गई थी, बच्चे भी इंजन में फंस गए थे, तो वो काफ़ी दूर तक खींचते लेके गए। यही घटना रही है और काफ़ी तेज थी स्कॉर्पियो। अच्छा, अब मौत जैसे हो गई है, हिरासत में लिया गया है, आप लोगों ने इसमें कंप्लेंट किया, क्या कुछ कार्रवाई की इसमें मांग कर रहे हैं? कार्रवाई क्या मांग रहे हैं? बॉडी तो वापस आएगी नहीं, लेकिन उसका हर्जाना भरे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो चालक थे उसमें जो सवार थे उनको। राजधानी लखनऊ में एक स्कॉर्पियो सवार ने स्कूटी सवार परिवार को मौत की नींद सुला दी। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में एक स्कूटी सवार परिवार आ गया, उसमें दंपति स्कॉर्पियो में फंस कर लगभग 100 मीटर तक घिसटता रहा, लेकिन स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी को न रोका, जिसके कारण परिवार की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें उसकी रफ्तार का अंदाजा भी साफ लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से एक रफ्तार स्कूटी से टकराती है और उसमें बच्चे दूर गिरते हैं, लेकिन दंपति स्कॉर्पियो में फंस जाता है। इस दौरान जब यह हादसा हुआ तब स्कॉर्पियो चालक भागना चाहा, लेकिन लोगों ने उसको पकड़ लिया। इस दौरान दंपति को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर जिस तरीके से सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन दौड़ रहे हैं, उस पर अंकुश लगाने का दावा भी किया जा रहा है, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन उस रफ्तार पर अंकुश नहीं लग पा रहा, क्योंकि लगातार सड़कों पर हादसे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और मौत की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस हादसे के बाद देखना होगा कि आखिर पुलिस इस रफ्तार वाहनों पर किस तरीके का एक्शन लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम TV, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में एक स्कॉर्पियो सवार ने स्कूटी सवार परिवार को मौत की नींद सुला दी। बुलंदशहर में कोतवाली सिटी के दिल्ली रोड भूड़ फ्लाईओवर के पास नशे में धुत युवक ने राह चलते राहगीरों पर चाकू से हमला कर दिया। बताते चले कि चाकू लगने से दो लोगों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने नशेड़ी युवक को पीट पीट कर घायल कर दिया। वही मौके पर पहुंचे पुलिस ने नशे में धुत युवक को हिरासत में भी ले लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।